हेलो फ्रेंड, वेलकम है आपका, आप सभी का हमारे चैनल PBR स्टडी पे। देखिए मित्रों, हमारी जो है टेस्ट सीरीज चल रही थी खंड शिक्षा अधिकारी और UPPCS प्री की, तो आज हम हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके सामने। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती होगी तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं बिना टाइम गंवाए हुए। आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन सेट पर दिख रहा होगा, बिहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। ये प्राचीन इतिहास का क्वेश्चन है, बिहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ। ऑप्शन ए है चावल, ऑप्शन बी है गेहूं, ऑप्शन सी है जौ, ऑप्शन डी है कपास। ये जो दोस्तों आ बा सा दा लिखा गया, इसको आप इमेजिन कर लीजिएगा कि ए बी सी डी इस तरह मान लीजिएगा। मींस कहने का मतलब है, आप आ को ए मानिएगा, बा को बी मानिएगा, और सा को सी मानिएगा, और दा को डी मानिएगा। अब आप बताइए, तो बी ही शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, चावल, गेहूं, जौ और कपास। तो आपके पास 5 सेकंड का टाइम है, आप लोग आंसर कमेंट करें। ठीक है मित्रों, चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर जो है, बिही शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ दोस्तों, आ। बिही शब्द प्रयुक्त हुआ आ, यानी आ मीन्स क्या था, चावल के लिए। ठीक है, और गेहूं के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ, हो सकता है अगली बार आपसे यही पूछ लिया जाए। तो गेहूं के लिए प्रयुक्त हुआ है दोस्तों गोधूम, गोधूम। ठीक है, आप इसको याद करिएगा। कपास के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ दोस्तों, शिंडर, सिंडस। ठीक है, और जौ के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ दोस्तों, यौ। तो ये चारों का आप याद करिएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। वीडियो बढ़ाने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा, जो नए व्यूअर होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर दो में देखिए दोस्तों, ये सुमेलित करने को दिया गया है, सूची एक और सूची दो में सुमेलित करने को दिया गया है। तो चलिए हम देखते हैं, सूची ए में क्या दिया गया है, शिक्षा। देखिए दोस्तों, आ बी सी डी इसको कर लीजिएगा। तो शिक्षा ए में, बी में कल्पसूत्र, सी में निरुक्त और डी में छनद। और इधर करके दिया है आपकी नंबरिंग 1, 2, 3, 4। 1 में ध्वनि शास्त्र, बी में, 2 में कर्मकांड, 3 में भाषा शास्त्र और 4 में संसार। तो हमें ये मैच कराना है कि शिक्षा किससे मैच करेगा, कल्पसूत्र किससे मैच करेगा, निरुक्त किससे मैच करेगा और छनद किससे मैच करेगा। तो चलिए हम इसके कूट देख लेते हैं। कूट देख लीजिए आप लोग, कूट क्या है, कूट के हिसाब से आप इसको मान लीजिए, ए बी सी डी। तो आंसर कौन सा करेक्ट होगा, यानी आ का 1, बी का 2, सी का 3, दा का 4, बी का 1, आ का 1, बी का 2, सा का 4, दा का 3, आ का 2, बी का 1, सा का 3, दा का 4, आ का 4 दिया गया है, बी का 3 दिया गया है, सा का 2 दिया गया और दा का 4 दिया गया। तो बताइए कौन सा करेक्ट आंसर होगा आपका। मैं थोड़ा सा आपको दिखा दे रहा हूँ सभी को, ये देखिए आपने देख लिया, हाँ कूट देख लीजिए, बस कूट है और ये है आपका। चलिए तो आप लोग बताइए इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, देख लीजिए इसका राइट आंसर फर्स्ट सही है। फर्स्ट एक बार हम फिर से देख लेते हैं, फर्स्ट का मतलब क्या था, फर्स्ट में क्या है दोस्तों, देखिए आपको कूट भी दिख रहा नीचे और ऊपर विकल्प दिख रहा, यानी आ का ये सही है, यानी शिक्षा किससे संबंधित था आपका, ध्वनि शास्त्र से। बा का 2 सही है, यानी कल्प सूत्र किससे संबंधित है, कर्मकांड से। निरुक्त किससे संबंधित है दोस्तों, भाषा या शब्द व्युक्ति से। और छंद किससे सही, सब छंद शास्त्र। तो ठीक है, मैच करा लिया आप लोगों ने, बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं, यानी लेखक कौन है, क्या गौतम है, कपिल है, पतंजलि है या पाणिनि है, बताइए कमेंट करिए आप लोग 5 सेकंड के अंदर। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी की रचनाकार कौन है, गौतम, कपिल, पतंजलि, पाणिनि। तो प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार जो दोस्तों हैं वो कौन है, हमारे पाणिनि जी हमारे पाणिनि जी जो हैं वो किसके हैं, अष्टाध्यायी के।
पतंजलि जी इससे संबंधित है, योग से योग दर्शन। ठीक है दोस्तों, गौतम किससे हैं, न्याय दर्शन, और कपिल किससे हैं, सांख्य दर्शन। तो याद रखिएगा, एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चारों मैच करा लीजिए। पाणिनि अष्टाध्याय के लेखक हैं, पतंजलि योग दर्शन के, कपिल जी सांख्य दर्शन के, और गौतम न्याय दर्शन के। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन के। हो सकता है नेक्स्ट टाइम आपको सुलोमित कर्णों को दिया जा सकता है, तो याद रखिएगा इस तरह के क्वेश्चन सुलोमित कर्णों को भी दिया जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? कुछ स्मृतियों का नाम दिया गया है, तो कौन सी स्मृति सबसे प्राचीनतम है? आ में दिया गया मनुस्मृति, बा में दिया गया यज्ञवल्लक, सा में दिया गया नारद मुनि स्मृति, और डा में दिया गया परस्पर स्मृति। तो बताइए प्राचीनतम स्मृति कौन सी है दोस्तों? तो देखो दोस्तों, जो प्राचीनतम स्मृति है, यानी सबसे प्राचीन सबसे पहली स्मृति हमारी है, वो है मनुस्मृति। मनुस्मृति में क्या है? सामाजिक, आर्थिक, कभी सामाजिक आर्थिक नीतियों का वर्णन किया गया है, नीतियों का वर्णन किया गया है इसमें, इसको हम मनुस्मृति कहते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो कुछ ग्रंथों का नाम दिया गया है। पहले आप दो विकल्प देख लीजिए, बाद के दो विकल्प हम और दिखा देते हैं आपको। आदि काव्य की संज्ञा क्या रामायण को दी जाती है या महाभारत को? ऑप्शन सी है गीता या भागवत को। चारों विकल्प एक साथ आप देख सकते हैं। देखिए, आदि काव्य की संज्ञा दी गई है रामायण, महाभारत, गीता या भागवत। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, तो दोस्तों देखिए देखिए दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन है? रामायण। रामायण को आदि काव्य की संज्ञा दी जाती है। आदि का मतलब प्राचीन, ठीक है। प्राचीन काव्य की संज्ञा किसे दी गई है? रामायण को। महाभारत को क्या कहा गया? जय संहिता। ठीक है दोस्तों, जय संहिता महाभारत का दूसरा नाम है, याद रखिएगा। ये भी पूछा जा सकता। गीता तो आप जान ही रहे हैं, अब भागवत पुराण ये भी आप समझ रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। प्राचीनतम पुराण है, सबसे प्राचीनतम पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण, भागवत पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण। बताइए आप लोग। अभी हमने स्मृति देखा था, सबसे प्राचीनतम स्मृति, अब पुराण के बारे में पूछा गया। तो सबसे प्राचीनतम पुराण दोस्तों जो है वो हमारा मत्स्य पुराण है। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर, मत्स्य पुराण इज ए एंशिएंट पुराण। टोटल पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया। सिंधु को, सरस्वती को, पुरुषराणी को, सूत्रादि को। सिंधु ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसको माना गया है दोस्तों? सरस्वती को माना गया है। पुरुषराणी को कहते हैं रावी नदी आज की, सूत्रादि को कहते हैं सतलज, ठीक है, और सिंधु को सिंधु कहते हैं, ठीक है। ऋग्वेद में गंगा नदी का वर्णन एक बार हुआ है, याद रखेगा, एक क्वेश्चन पूछा गया है, वो भी किसमें? 10वें मंडल में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या थी? चलिए ये हमारे ऑप्शन रहे, तो ऑप्शन ए दिया गया है कुल, कुटुम्ब, ग्राम, विष, जन। तो वैदिक काल की जो आधारभूत इकाई थी वो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा, इसका जो राइट आंसर होगा विष थी। वैदिक काल की जो आधारभूत इकाई थी वो विष थी, नहीं विष नहीं थी, ये कुटुम्ब थी, उत्तर वैदिक काल की विष थी, मिस्टेक हो गया, सॉरी इसके लिए। ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई है, यानी वह कौन सा देवता था जिसकी स्तुति में, स्तुति का मतलब याद में, 250 सूक्तों की रचना की गई है? तो आपके ऑप्शन है इंद्र, अग्नि, वरुण, सूर्य। चलिए कमेंट करिए आप लोग फटाफट, कौन है भाई? इंद्र, अग्नि, वरुण, सूर्य, बताइए विच वन ऑफ द करेक्ट। इंद्र, अग्नि, वरुण, सूर्य, तो जो इसका राइट आंसर है दोस्तों आ सही है, यानी इंद्र जी ऐसे देवता थे ऋग्वेद में जिनकी सबसे प्रधान देवता थे जिनकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई है। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10। किस वेद में सभा को नरिष्ठ अथवा अर्थात सामूहिक वाद विवाह या अलुंगनी कहा गया है? सभा को,
कौन सा वेद है? ऑप्शन ए आपके सामने ऋग्वेद दिख रहा है, ऑप्शन बी यजुर्वेद और ऑप्शन सी श्याम वेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद। नरिष्ठ यानी नरिष्ठ, सभा को नरिष्ठ किस वेद में कहा गया है? ऋग्वेद पहला ऑप्शन था, बी यजुर्वेद, सी श्याम वेद और डी अथर्ववेद। बताइए आप लोग कौन सा करेक्ट आंसर होगा भाई, सभा को नरिष्ठ, ठीक है, या बौद्ध विवाद का उल्लंघनी कहा गया, किसको कहा गया? तो ऑप्शन डी सही है इसका, डी का मतलब अथर्ववेद में यह कहा गया, अथर्ववेद में। किस स्थापना में नारी का सुरा और पासा के साथ तीन प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? बताइए वो कौन सा स्थापना थी, मैत्रिणी संहिता, जवाल संघ उपनिषद, सतपथ ब्राह्मण या छंदोद उपनिषद, ठीक है, कौन सी स्थापना थी जिसमें सुरा के साथ नारी का सुरा और पाशा के साथ तीन प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है, यानी कौन कौन से होता, सुरा, पाशा, नारी, ठीक है, इन सबको बुराइयों में शामिल किया गया, किसमें? तो इसका जो राइट आंसर है मैत्रिणी संहिता, क्या करेक्ट आंसर है, मैत्री संहिता में ऐसा उल्लेख किया गया है कि सुरा सुंदरी और पासा, ठीक है दोस्तों, सुरा का मतलब होता है शराब, सुंदरी का मतलब होता है नारी और पाशा का मतलब होता है जुआ, सुरा सुंदरी पाशा, इन तीनों को प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है मैत्री संहिता में, याद रखिएगा इस तरह आप लोग। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? ऑप्शन ए दिया गया प्रजापति, ऑप्शन बी है इंद्र, ऑप्शन सी है विष्णु, ऑप्शन डी है रुद्र। तो किसको जो है सर्वोच्च स्थान प्राप्त था आप लोग बताइए, तो ऑप्शन ए सही है प्रजापति। प्रजापति को जो है उत्तर वैदिक काल में प्रजापति को जो है सर्वोच्च देवता माना गया, और ऋग वैदिक काल में इंद्र को, याद रखेगा अभी जिसके बारे में हमने ऊपर देखा था, ठीक है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है 13 नंबर पे। ऋग वैद में अघन्य यानी बद्ध योग नहीं है, किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो ऑप्शन देख लीजिए आप लोग, ब्राह्मण, गाय, स्त्री या पुरोहित। तो अघन्य किसको कहा गया, जो ब्राह्मण्य, गाय, स्त्री और पुरोहित, तो जो इसका राइट आंसर है दोस्तों वो गाय है, गाय को क्या कहा गया, अघन्य। आगे फिर आता है सुमेलित करने के लिए, सुमेलित करिए, देखिए सुमेलित करने को कहा गया है, तो कुछ सुमेलित करने के लिए सूची ए में देखिए क्या दिया गया है, राजसूय यज्ञ, बी में दिया गया अश्वमेध यज्ञ, सी में दिया गया है वाजवेय यज्ञ और डी में दिया गया है अरिष्टनोष्ट यज्ञ। इधर देखिए कूट में दिया गया है 1, 2, 3, 4, वन में दिया गया राजा के सिंहासन का रोहण, राजनैतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया गया, शौर्य प्रदर्शन एवं प्रजा के मनोरंजन हेतु, और चौथा दिया सोमरास पान तथा देवताओं को खुश करना। अब इसके आप वो देख लीजिए कूट में देख लीजिए दोस्तों, इसको आप ए कर लीजिएगा, बी सी डी, तो आ बा सा दा लिखा, आ का फर्स्ट, बा का दो, शा का तीन सही और डी का फोर्थ सही। इसी तरह सेकंड में दिया गया है बी ऑप्शन में, ए का दो सही, बी का एक सही, सी का तीन सही और डी का फोर्थ सही। ऑप्शन सी दिया गया है, ए का वन सही, बी का दो सही, सी का चार सही और डी का थर्ड सही। ऑप्शन डी दिया गया है, ए का फोर्थ सही, बी का थ्री सही और सी का दो सही और डी का फर्स्ट सही। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो इसका राइट आंसर आपने कूट देख लिया होगा, तो इसका राइट आंसर ए सही है। अब आप एक बार में पूरे देख लीजिए ऑप्शन, और काफ़ी छोटा दिख रहा होगा आपको, बट चलिए कोई बात नहीं, आपने देख लिया होगा, तो अब हम एक बार फिर से देख लेते हैं, यानी जो इसका राइट आंसर है दोस्तों ए सही है, ए का वन सही, बी का दो सही, सी का तीन सही और डी का फोर्थ सही। अब चलिए विकल्प देख लेते हैं इसके,
ए का वन सही, यानी ए का वन सही। राजसूय यज्ञ किससे संबंधित है? राजा के सिंहासन से। अश्वमेध यज्ञ किससे संबंधित है? राज्य शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला। वाजपेय यज्ञ किससे संबंधित है? सौर्य प्रदर्शन एवं प्रजा के मनोरंजन के लिए। और डी देख लेते हैं, अरिष्टनोटी यज्ञ किससे संबंधित है दोस्तों? तो ये सोमरस पान तथा देवताओं को प्रसन्न करने हो तो पशु बलि। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन देखिए आप लोग, संस्कारों की कुल संख्या ए में 14, बी में 15, सी में 16 और डी में 18। तो संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? 16। क्वेश्चन नंबर 16 फिर सुमेलित करने को दिया गया है। ब्रह्म विवाह आ में दिया गया है, बी में देव विवाह, सी में अर्ष विवाह और डी में प्रजा पात्य विवाह। सुमेलित करने के लिए कूट दिया गया है, पहले में समान वर्ण या जाति का विवाह, दूसरे में पुरोहित या पारिश्रमिक में मिले कन्या की विवाह के साथ विवाह, तीसरे में कन्या के मूल रूप से एक जोड़ी गाय व बैल चुराकर किया गया विवाह और डी दिया गया बिना दहेज का विवाह। तो चलिए इसका मैच करा लेते हैं। कूट देख लीजिए आप लोग, कूट दिया गया है ए बी सी डी, यानी आबा सादा आबा सादा। तो आ का फर्स्ट है, बी का सेकंड है, सी का थर्ड है और डी का फोर्थ है। आ का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का फोर्थ, डी का थर्ड। आ का सेकंड, बी का फर्स्ट होगा, सी का थर्ड होगा और डी का फोर्थ होगा। आ का फोर्थ है, बी का सेकंड है, सी का थर्ड है और डी का फोर्थ है। तो राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? देखिए इसका राइट आंसर फर्स्ट होगा, यानी आ का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड और डी का फोर्थ। चलिए हम मैच करा लेते हैं एक बार। आ का फर्स्ट का मतलब ब्रह्म विवाह, समान वर्ण या जातियों के साथ विवाह करना क्या कहलाता है? ब्रह्म विवाह। बी का देखिए क्या दिया गया है, बी सी और डी में क्या दिया गया, देव विवाह, पुरोहित या पारिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह। अर्ष विवाह, कन्या के बदले मूल रूप से एक जोड़ी गाय या बैल चुकाकर किया गया विवाह। प्रजापत्य विवाह, बिना दहेज का विवाह। तो याद कर रखिए, खासकर ये पूछा जाता है प्रजापत्य विवाह, अर्ष विवाह। ठीक है दोस्तों, तो अर्ष विवाह क्या, कन्या मूल रूप से एक जोड़ी और बैल चुकाकर किया गया विवाह क्या कहलाता है? अर्ष विवाह। प्रजापत्य विवाह कौन सा विवाह था? बिना दहेज का विवाह। और देव विवाह किसे कहते हैं? यानी पुरोहित या जो पारिश्रमिक होते हैं उनको जो कन्या मिलती है, ठीक है, परिश्रम के बदले, पुरोहित को परिश्रम के बदले जो कन्या मिलती है उसके साथ विवाह कहलाता क्या कहलाता? देव विवाह। अब ब्रह्म विवाह, समान वर्ण या जाति के साथ विवाह करना ब्रह्म विवाह। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 अगेन सुमेल करने को दिया गया है, इसमें भी शादी के वर्णन किया गया, गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह या पश्चात विवाह। तो कूट देख लीजिए, गंधर्व विवाह के सामने प्रेम विवाह, असुर विवाह के सामने लिखा गया कन्या खरीद कर किया गया विवाह, राक्षस विवाह के सामने लिखा गया पराजित राजा की कन्या, अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह, पश्चात विवाह या गुमराह, पश्चात विवाह सोती हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर शादी करना। तो दोस्तों चलिए देखते हैं इनके, वो कूट देख लीजिए इनके, ए बी सी डी। तो पहला का फर्स्ट, बी का दो, सी का थर्ड, डी का फोर्थ। ए का फर्स्ट, बी का दो, सी का फोर्थ, डी का थर्ड। ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, सी का थर्ड, डी का फोर्थ। और ए का फोर्थ, बी का सेकंड, डी का थर्ड और डी का फोर्थ। तो राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर है ए सही है। तो ए को हम अगेन एक बार चेक कर लेते हैं, यानी गंधर्व विवाह का मतलब क्या होता है दोस्तों? प्रेम विवाह। असुर विवाह का मतलब क्या, कन्या को खरीद कर किया गया विवाह। राक्षस विवाह का मतलब होता है पराजित राजा की कन्या, अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह। पश्चात विवाह क्या होता है, सोती हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर किया गया विवाह। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तीन ऋण में शामिल नहीं है, क्या नहीं शामिल है? देव ऋण, प्रति ऋण, ऋषि ऋण, मातृ ऋण। बताइए राइट आंसर कौन सा होगा, तीन ऋण में क्या नहीं शामिल है? देव ऋण, प्रति ऋण, ऋषि ऋण, मातृ ऋण।
तो जो इसका राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है, मातृ ऋण। ठीक है, मातृ ऋण तीन ऋण में शामिल नहीं है, देव, पृत और ऋषि तीनों जो है एक साल होते हैं, यानी पिता का ऋण, देवताओं का ऋण और ऋषि का ऋण, यह प्राचीन भारत में वर्णित था। ऋग्वेद काल से संबंधित मृदभान संस्कृति है, किस तरह की संस्कृति थी देखते हैं, गेरुवर्णी, चित्रित, धूसर, मादबंदी, आ और बा यानी ये दोनों, और इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर है ए सही, गेरुवर्णी मृदभान। उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभान कौन सा है, अभी देखिए गेरुवर्णी कौन किससे है, ऋग्वेद से, तो उत्तर वैदिक बिना आँख बंद किए मार दीजिए आप, चित्रित धूसर मृदभान से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभान स्थल किस स्थान पर हाल ही में किए गए उत्खननों में प्रकाश में आया, कहाँ पर वो प्रकाश में आया जो हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर है, यानी किससे संबंधित है, उत्तर वैदिक काल से, तो कहाँ पर आया, आलमगीरपुर, ठीक है, भगवानपुर, हस्तनापुर या कुरुक्षेत्र, तो ये चारों स्थान जो कहाँ के हैं, ये आलमगीरपुर मेरठ का है, पहली बात ये जान लीजिए, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है, भगवानपुर, हस्तनापुर, कुरुक्षेत्र, ये तीनों चारों तीनों ऑप्शन जो है हरियाणा से रिलेटेड हैं, तो इसका राइट आंसर जो दोस्तों है वो क्या, भगवानपुर। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला हिंदू विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है, प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, गृह सूत्र, बताइए प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, गृह सूत्र, तो प्राचीनतम विवाह जो है किसमें पाया जाता है, ऋग्वेद में। क्वेश्चन नंबर 23 सुमेलित कीजिए, संग्रहित, भागदूत, छाता या अच्छवाप, संग्रहित के सामने दिया गया है कोषाध्यक्ष, भागदूत के सामने दिया गया है कर संग्रहकर्ता, छता के सामने पासे के खेल में राजा का सहायक, अच्छवाप का है प्रतिहारी या राजा प्रसाद का सक्षम, कूट दिया गया है फर्स्ट ए का आ का सही फर्स्ट है, बी का सेकंड, सा का फोर्थ और डी का थर्ड दिया गया है, सेकंड नंबर पे दिया गया है दोस्तों बी में दिया गया है, आ का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड और डी का फोर्थ, सी में दिया गया आ का फर्स्ट, बी का थर्ड, सी का फोर्थ, डी का सेकंड, डी में दिया गया है आ का सेकंड, वी का फर्स्ट, डी का फोर्थ और सी का फोर्थ और डी का थर्ड, तो देखिए इसका राइट आंसर जो दोस्तों है फर्स्ट सही है, फर्स्ट सही है, यानी देख लीजिए कूट फर्स्ट दिख रहा ना, तो हम मिला लेते हैं एक बार फर्स्ट को, फर्स्ट में क्या मैच करेगा, यानी संग्रहित करता है मतलब कोषाध्यक्ष, भागदूत का मतलब कर संग्रह करता, छाता का मतलब पासे के खेल में राजा का सहायक, अच्छवाप यानी प्रतिहारी या राजा प्रसाद का समक्ष, ठीक। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ, रीति स्थापित करने के कारण किस देवता यानी प्राकृतिक संतुलन किसे ऋषत भोप कहा गया, ऑप्शन ए इंद्र को, ऑप्शन बी वरुण को, ऑप्शन सी सूर्य को, ऑप्शन डी विष्णु को, रित स्थापित करने के कारण किस देवता को ऋषभ भोग कहा गया, इंद्र, वरुण, सूर्य, विष्णु, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों बी सही है, बी का मतलब क्या होता है वरुण को। दिव्य कौन सा मूलतः जल या समुद्र का देवता है, ऑप्शन देखिए इंद्र, नाथ, अश्विन, वरुण या मित्र, तो जो इसका राइट आंसर है दोस्तों वरुण है। तीन क्रमों में या पगों में माप लोक को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है, कौन है सूर्य, समृत, मित्र, वरुण, किसे कहा गया था दोस्तों, तो विष्णु को कहा जाता है, विष्णु जो है तीन पगों में तीनों लोक को मापे थे, कौन विष्णु। क्वेश्चन नंबर 27 सुमेलित करने के लिए दिया गया है, पूषण, रुद्र, हो, अदिति, ये क्या है बताइए आप लोग, पूषण, रुद्र, अदिति, हो, और कूट दिया गया है विवाह का देवता, पशुओं का देवता, जगत के पिता या देवों की महान माता, चलिए देखते हैं कूट क्या सही है इसके, कूट में देखिए दोस्तों कूट में क्या दे रहा, ए बी सी डी इधर भी है, ए बी सी डी उधर है, यानी ए का फर्स्ट है, बी का सेकंड है, सी का थर्ड है, डी का फोर्थ है, ए का सेकंड है,
ऑप्शन नंबर बी में दिया गया ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, सी का थर्ड, डी का फोर्थ। ऑप्शन नंबर सी में ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, डी सी का फोर्थ, डी का थर्ड। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया ए का फोर्थ, बी का सेकंड, सी का थर्ड या डी का फोर्थ। तो राइट आंसर जो दोस्तों इसका फर्स्ट है। फर्स्ट में देख लेते हैं, मैच करा लेते हैं क्या सही है। फर्स्ट में क्या दिया, थर्ड एंड फोर्थ, यानी दो बदल गया। पूषण है विवाह का देवता, रुद्र है पशुओं का देवता, अदिति है जगत के पिता और हो है देवों की महान माता। ठीक है, ये इसका राइट सुमेलित है। ए का थर्ड, बी का फोर्थ, डी का फोर्थ है। तो हो जो हैं क्या है, जगत के पिता और अदिति हैं देवों की महान माता। तो सभी जो हैं सामने सामने दिए गए हैं, याद रखिएगा। अदिति देवों की महान माता, हो जो हैं जगत के पिता, रुद्र जो हैं पशुओं के देवता, पूषण जो है विवाह के देवता। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 28 में क्या दिया गया है, मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है, अभी हमने देखा था समाज व्यवस्था से। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी दोस्तों, देखिए आंसर, वशिष्ठ ने, विश्वामित्र ने, इंद्र ने, परीक्षित ने। तो विच वन ऑफ द मेकर ऑफ द गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र के रचना का और कौन है, वशिष्ठ, विश्वामित्र, इंद्र या परीक्षित। तो जो इसका राइट आंसर है दोस्तों वो होगा विश्वामित्र। ठीक है, कहाँ से लिया गया है, मुंडकोपनिषद, ये कहाँ से है, ऋग्वेद से। ठीक है दोस्तों, तो ये आज के 29 क्वेश्चन थे हिस्ट्री के। वीडियो आपको अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा, तथा जो नए व्यूअर होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तथा शेयर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।